नींबू को अब हम काट देंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप तो कैसे हैं? मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है वो अल्लाह बहुत अच्छी है और अल्लाह उनको अच्छा रखे, खुश रखे। तो यूट्यूब मेरी फैमिली जो है, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली है, आज मैं उनके लिए लाई हूँ शिकंजी, ग्रीन शिकंजी का शरबत। ये मेरी जो इलाहाबाद की स्पेशलिटी है, प्रयागराज की, ये बहुत फेमस शिकंजी है। कुछ लोग वाइट शिकंजी पीते हैं नींबू के साथ और कुछ ग्रीन पीते हैं। आइए आज हम ग्रीन शिकंजी बनाते हैं और आपको उसकी विधि दिखाते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये पानी जो है, ये चीनी का शुगर का पानी है, मैंने इसको घोल लिया है। ये स्प्राइट मैंने लिए और ये मैंने लिया है सोडा, और ये जो है चाट मसाला मैंने लिया है, ये है पुदीना, मैंने इसको पीस लिया है, ये नींबू है और पुदीना ग्रीन मैंने लिया हुआ है, ये थोड़ा बर्फ लिया हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रीन शिकंजी को। तो उसके लिए मैंने ये एक बाउल लिया है, बर्तन स्टील का ले लिया है मैंने, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये शुगर का पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा डालेंगे। और अब हम डालेंगे ये जो चाट मसाला है, इसको हम पूरा डाल देंगे। पूरा हम इसको इसमें इसलिए डाल देंगे ताकि जो इसका स्वाद है वो खट्टा मीठा सा आता है। और ये एक बड़ा नींबू लिया है, इसको मैं डेकोरेट करने के लिए रखे हूँ। ये जो छोटे छोटे नींबू हैं मैं इसको काटूँगी इस शिकंजी में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैं ये दो तीन, ज़्यादा नहीं तीन नींबू काटूँगी, तीन नींबू इसलिए काटूंगी ताकि इसका खूब अच्छा सा प्यारा सा खट मीठा सा स्वाद आ जाए इसका, और पीने में भी खूब यमी यमी सा टेस्टी आएगा। और अब हम क्या करते हैं, इस नींबू को जो है इसमें थ्री जो मैंने नींबू काटे हैं तीन, मैं इसको इसमें डाल दूंगी ताकि जो मेरा नींबू है ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है इसका टेस्ट। आप लोग बनाने को तो आप लोग वाइट भी शिकंजी बना सकते हैं, पेट को वो फ़ायदा ही करता है, और पेट को फ़ायदा करता है ये अपना ग्रीन जो पुदीना होता है, पुदीना भी ग्रीन जो है पेट को बहुत फ़ायदा करता है और पेट को ठंडक पहुंचाता है। तो मैंने पुदीना फ्लेवर का शिकंजी बनाने का सोचा है, इसलिए मैंने नींबू और सोडे के साथ साथ पुदीने का भी फ्लेवर इसमें डाल दिया है। तो ये जो मेरा जो नींबू है ये ऑलमोस्ट सारे गल गए हैं, और अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो पुदीना जो मैंने पीसा हुआ है मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। देखिए कितना ग्रीन ग्रीन सा हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये सोडा है, इस सोडे को मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डालूंगी ताकि जो मेरे जो शिकंजी का जो स्वाद है वो भरपूर उमड़ उमड़ कर इसमें आए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूंगी, और आधा मैंने रोक लिया है इसको। अब मैं इसको यहाँ पे चला दूंगी, देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये कोल्ड ड्रिंक है मेरी पेप्सी, इसको मैं थोड़ा डालूंगी ताकि आपको जब भी इस्तेमाल करना हो तो आप इसमें और सोडा मिक्स करके पी सकते हो। तो मैं इसमें आधा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी इसको। और अब हम इसको चला देंगे, और ये जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं इसको हम इसमें थोड़ा डाल देंगे। ये देखिए मेरी जो ये शिकंजी है ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। मैं इसमें थोड़ा सा सोडा और डाल दूंगी ताकि मैंने इसमें बर्फ़ डाला है।
ये देखिए, अब इसको हम खूब अच्छे से चला लेते हैं ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया। अब मैं सोई जो चीनी बची हुई है थोड़ी सी और डाल देते हैं ताकि फ्लेवर मेरा खूब अच्छा सा आ जाए। और बाकी इसमें रख लिया है, ये देखिए। अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हम पहले तो इस जग में इसको हम डाल देते हैं। और इसको हम इसी में चला लेंगे। तो ये मेरा ग्रीन शरबत तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा जो है शरबत पहले ग्लास में डाल देते हैं। ये तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बर्फ़ डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आइस क्यूब वैसे भी ठंडा है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें नींबू को अब हम काट देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने इसको जो है डेकोरेट कर लिया है नींबू को। और ये ग्रीन शिकंजी जो है मेरी फटाफट बनकर रेडी हो गई है। माशाल्लाह पीने में एकदम यमी टेस्टी ड्रिंक है। आप इसको बनाइएगा और अपने बच्चों को दीजिएगा पीने के लिए। बच्चे पीकर हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे माशाल्लाह। जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे भी आगे ले जाइए। मैं आपकी निज़ाम व्लॉग से हूँ, प्लीज़ मुझे आगे लेकर जाएं। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, शब्बा खैर और गुड नाइट।